नमस्कार, आइए बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सभी हार्डवेयर जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव और कुछ एप्लीकेशंस का मतलब आप मान सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक या कैमरा या और भी अन्य ऐप जो आपने मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं। और कंप्यूटर की बात करते हैं अगर हम तो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एडोब रीडर, फोटोशॉप, इन सभी को भी हम एप्लीकेशंस मान सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में एक सॉफ्टवेयर है जो इन सभी हार्डवेयर और इन सभी एप्लीकेशंस को इजीली सरलता से मैनेज करता है और इनके डाटा को भी सरलता से डाटा कम्युनिकेशन सरलता से कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा सिर्फ इतनी सी है कि हार्डवेयर को सरलता से ऑपरेट करने के लिए, तेज़ी से ऑपरेट करने के लिए, तेज़ी से इनके बीच डाटा कम्युनिकेशन के लिए, प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए, एप्लीकेशंस को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया है। तो यहाँ कुछ इस तस्वीर में ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल दिए हुए हैं, नाम दिए हुए हैं, विंडोज़, iOS, ये प्रसिद्ध हैं थोड़े। इसमें एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी, लिनक्स, डेबियन, कुछ प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा और तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि यहाँ एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर का उपयोग कर रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वहीं उपयोगकर्ता भी इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग या इन हार्डवेयर का प्रयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से कर रहा है। इसमें थोड़ी परिभाषा भी दी हुई है, उसे आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा तो समझ में और आ जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा ऑपरेटिंग सिस्टम की पीढ़ियाँ क्या क्या होती है इसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।